शांति। ओम शांति। वैल्यूज वर्कशॉप ऑन स्टेबिलिटी, वैल्यूज वर्क एपिसोड 81 में 81 में एपिसोड में स्थिरता के आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह इससे पहले हम शुरू करें, हम इस स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है इस पे अपने आप में ही हम पूछते हैं ये प्रश्न। अपने जीवन को देखते हुए, पिछले जीवन को, जो बीता हुआ समय है, कि क्या मैं वाकई स्थिर था जबकि परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी। हर एक को अलग अलग हमें जवाब आएगा। स्थिरता में रहने का सही मतलब क्या है जबकि इतनी ज्यादा अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? क्या ये बहुत मुश्किल गुण है डेवलप करने के लिए, और इसके लिए अभ्यास चाहिए इसे विकसित करने के लिए? आंतरिक सही स्थिरता क्या है और मैं कैसे इसे अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो आत्मा का गुण है। आज के इस वर्कशॉप से हम इस बात की तरफ देखेंगे और इसे और अच्छी तरह से समझेंगे और अपने अंदर विकसित करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास 60 लोग हो गए हैं। हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे सभी फैसिलिटेटर। सिस्टर हरप्रीत हमारे साथ है, वेस्ट कोस्ट कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। सिस्टर श्रुति हमें ने ज्वाइन किया है, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अथक सेवाधारी जो ट्रांसलेटर हैं और रिकॉर्डर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आगे चलते हैं। इतने सारे हमने लिस्ट जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और मैं पीछे जाता हूँ। ये जो व्यक्ति मैं दिखा रहा था जिसका तस्वीर, वो कौन है? आज की आइस ब्रेकर वीडियो थोड़ी अनोखी है, मैं ये तुम्हारे लिए चलाता हूँ। 5 से 7 मिनट की है। 2 सबसे ज्यादा स्थिर यूरी गैलर, जिनको आपने अभी देखा, और दादी जानकी, इन दोनों के सबसे ज्यादा स्टेबल माइंड, ये साइंटिफिकली अप्रूव हुआ है। और कैसे साइंटिस्ट ने उनको लेबल किया है, कौन कौन सी ईईजी रिकॉर्डिंग उन्होंने की है, उसके हिसाब से उन्होंने देखा। ये बहुत ज्यादा हमारे ब्रह्मा कुमारी ऑक्सफोर्ड सेंटर में हुआ है। तो ये देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा बीच बीच में से। जब मैं आया इसको देखने के लिए, ये जो एक्सपेरिमेंट यूरिक और दादी की जो ब्रेन की कॉन्शियसनेस है उसको देखने के लिए, मुझे भी मेडिटेशन में इंटरेस्ट है। मैं समझने में कॉन्शियसनेस को और आध्यात्म में विश्वास रखता हूँ, और मैंने किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति ने कहा कि उनके साथ जो काम करते थे, तो उन्होंने कहा इनके साथ नहीं काम करना। हमने 2 सेट्स एक्सपेरिमेंट के किए हैं। एक पहले सेट में हमने ये आइडिया यूज किया, अगर आप हीलर हैं
अब अगर आपके सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएं ब्रेन्स को चेक करने के लिए, And as they pass their hands over the Healy, and you measure the Healy's brain waves, तो and हीली ब्रेन्स जो है, ब्रेन वेव्स जो हैं वो हीलर की बहुत सिंक्रनी फॉर्म में होते हैं, उसमें जो इमोशनल कांटेक्ट करके देखा जाता है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है. जब उसका हम रिजल्ट देखते हैं, हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल, लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. एक तरफ दादी हैं और एक तरफ यूरिक भाई हैं. Pack up, go away, and come back and do it again. तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. इन दोनों का ब्रेन का पैटर्न देखा गया. अगर आप इस प्रिंट को देखें, लेफ्ट वाला जो है वो दादी का लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट जो है वो राइट हेमिस्फीयर है. बीटा अल्फा थेटा डेल्टा जो होती हैं, उसका राइट में जो रिजल्ट देखा, बहुत ही सिंक्रोनाइज है. तो ये साइलेंस में माइंड को लिंक करके देखा गया. जब हम ऐसा करते हैं तो शुरू करने के लिए और सिमिलर तरह का एक्सपेरिमेंट यूरिक के ऊपर भी किया गया. Now, if you look at that pattern, अब आप इस पैटर्न की तरफ देखें, यूरिक भाई लेफ्ट पर हैं, दादी राइट पर हैं. दादी के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं वो एक जैसे हैं. अब आप ये डिफरेंट देखेंगे तो दादी का लेफ्ट है, दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो बहुत फास्ट और स्लो, ये मेडिटेटिव स्टेट में है इस समय, और इसी तरह का सिमिलर पैटर्न देखा गया. और अंत में जो देखा, एक तरह के पैटर्न देखे गए. So, कितना सुंदर है ये साइंटिफिक स्टडी जो है की गई है. आपने काफी सारा देखा है. आप सबको बताने के लिए कि अगर दादी जानकी जो है वो रेगुलर मेडिटेटर हैं, उनका यूरी का जो ब्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था. वो साइंटिस्ट ने कहा जो दादी की मेडिटेटिव मेडिटेशन है वो उनकी जो वाइब्रेशन यूरिक भाई तक पहुंच रही थी और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी बहुत स्लो डाउन हो रही थी. हम एनिमेशन में ना जाते हुए हम ये दिखा रहे थे कि किस तरह ये मेडिटेशन जो है वो हमारे अंदर ये स्टेबिलिटी स्थिरता को लेकर आता है. इसके साथ हम समय है किसी का कोई क्विक कमेंट है. हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं. अगर आप कुछ चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. थैंक यू डॉक्टर मनोज, बहुत अच्छा देखने के लिए. अब हम स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल्य है हमारे जीवन के लिए, फोकस देने के लिए.
मुझे ये पर्सनली वैल्यू बहुत अच्छी लगती है. अपने जीवन में मैं इसको चेक करती हूँ, जब मेरी मदर पास्ट अवे हुई थी, किस तरह से आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं. हम इस पर एक्सप्लोर करेंगे और भी. तो हम क्या सोचते हैं कि स्टेबिलिटी के क्या क्या फायदे हैं, हम इस पर फोकस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे एक मिनट में कि आपके जीवन में कि आप रहे हो, स्टेबल रहे हो जबकि परिस्थिति कुछ भी हो. एक मिनट लेते हैं और इसको फायदे लिखने हैं हमें स्टेबल रहने के, तभी वो हमें कितना मदद करता है हमारी निर्णय करने में और किस तरह से हम इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं. तो एक मिनट लेते हैं और हम इसको देखते हैं, सोचते हैं स्वयं में. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समय मिला होगा किस तरह से आप इसको, इस मूल्य को अपने जीवन में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. So you can write it down. आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. मैसेजेस कुछ आ रहे हैं. ऑल ब्यूटीफुल शेयरिंग आ रही हैं. अपनी परिस्थिति से न्यारे होकर और ज्यादा पिक्चर हम क्लियर देख सकते हैं, परिस्थिति को अच्छी तरह देख सकते हैं, तो हम सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं. डॉक्टर मनोज कह रहे हैं हमारी डिसीजन जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उसकी शक्ति बढ़ जाती है. पिछली जो कोई शक्ति जब हम सोचते हैं तो वो हमें गुस्सा देखते हैं और फिर हम अब सोचते हैं कि वो ड्रामा है. ये भी बहुत अच्छा शेयरिंग था. ज्यादा सहन शक्ति आती है, स्थिरता आती है और कंफ्यूजन हट जाते हैं. अपने ऊपर हम विश्वास रखते हैं, अपनी शक्ति और पावर को यूज करते हैं, हम इधर उधर मूवते नहीं हैं और कार्य बहुत अच्छे एक्यूरेसी से होते हैं. इसकी ये मूल्य जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर शेडिंग है. कविता कहती है कि अपने माइंड को स्टेबल रखने से आपके डिसीजन एक्यूरेट होते हैं. तो ये जो वैल्यू है, जब ये स्टेबिलिटी है तो मन में शांति आती है, शांति आती है इस मूल्य के द्वारा. बीके माइकल कहते हैं कि इससे पता चलता है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं. अगर कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, आपका स्वागत है. कोई भी अगर अनम्यूट करके शेयर करना चाहे तो कर सकता है. ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है.
रॉय कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी शेयरिंग है, अगर अच्छी कोई अगर अनम्यूट करके शेयर करना चाहे तो कर. सॉरी टू इंटरप्ट, वी हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड, वी आर मोर देन 100 ऑलरेडी नाउ, सो मेनी पीपल. हमारे पास 100 से ज्यादा लोग हैं, तो काफी ज्यादा लोग जो हैं स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं. इफ यू हैव स्टेबिलिटी इट्स मींस इट्स क्लोज टू मैच्योरिटी. तो जो स्टेबिलिटी है वो मैच्योरिटी की तरफ लाती है हमें. अनु बहन कह रहे हैं शांत रहते हैं और आनंद खुशी खुश रहते हैं, स्टेबिलिटी. बहुत सारी इसके साथ और भी आई मूल्य आते हैं, और कोई शेयर करना चाहे हम सुनना चाहेंगे आपसे, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. सिस्टर रहना. डेली बेसिस और कभी 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 ऐसी सिचुएशन होती है कि शब्द में कार्य में तो कभी आप लो लेवल पर होते हैं. उस केसेस में क्या होता है कि स्थिरता जब आती है कि मुझे एक सोच पैदा करनी है, या तो वो उस इफेक्ट को कम कर दे और या फिर उसको डाइवर्ट कर दे या उसको ऊंचे श्रेष्ठ सोच की तरफ कर दे, तो हमें डिटैच खाली डिटैच ऑब्जर्वर नहीं होना. हमें वो सोच क्रिएट करनी है जो दूसरी वाली परिस्थिति की सोच को दूसरा तरफ डाइवर्ट कर दे. तो क्या हमारे को उस समय काम करता है, हमें ये देखना है. ओम शांति. हृदय ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है और अपनी ज्यादा अवेयरनेस आती है. थैंक यू हृदय. और कोई शेयर करना चाहेगा अनम्यूट करके. ओम शांति. ज्यादा से अपने आप को डिटैच कर पाते हैं, मतलब अपने आप को जब हम डिटैच कर पाते हैं हर चीज से, हर 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 सिचुएशन हर सिचुएशन परिस्थिति जो है वो स्थिर हो जाती है. हाँ, इतना सीखा, मतलब जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमें स्थिरता जीवन में आ जाएगी. डिटैच होने से, न्यारा होने से हम परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं. इसी हम इस वैल्यू से हम ये सीखते हैं. थैंक यू आपका शेयर करने के लिए. और कोई अनम्यूट करना चाहे. और एक दो शेयरिंग है हमारे पास. हम चाहेंगे कि आप बात करें. स्टेबिलिटी, द वैल्यू इज, जो स्टेबिलिटी है वो उससे मन की शांति आती है. ना तो डर लगता है, ना हम डिस्टर्ब होते हैं. तो परिस्थिति तो किसी बिना वार्निंग के बदल सकती है. अगर हमारी साक्षी की कॉन्शियसनेस होगी तो हम शांत रहेंगे, फिर तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे. तो कामनेस से प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. सैनम, ये रेगुलेशन है काफी बी के नॉलेज के द्वारा. सबसे पहले जरूरी है कि हम जागृत रहें, हमें चैतन्य रहें कि ये सब ड्रामा है. हमारी स्मृति में रहे पुराने संस्कार जो हैं वो जीवित हो जाते हैं, आ जाते हैं बार बार. जब भी कुछ होता है तो ये ज्ञान मेरे को बहुत मदद करता है ये जानने के लिए कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है सिचुएशन में. तो हमेशा जागृत रहना ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. ओम शांति. थैंक यू. जब हम अवेयर होते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है. और कोई शेयर करना चाहेगा. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. अल्लाह ता कह रही
जब मैं स्टेबल होती हूँ, स्थिर होती हूँ, मैं परिस्थिति की दूसरी तरफ भी देख सकती हूँ। जब सभी फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम के ऊपर, तो मैं उसकी दूसरी साइड को देख रही हूँ कि इसमें कुछ अच्छा है और किस तरह से इसको अदर तरीके से मैं इसको डील कर सकती हूँ। जब हम स्टेबल होते हैं, और इसके अलावा कि हम ये कहें कि क्या हुआ, कैसे हुआ और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थॉट क्रिएट करने की, हम प्रश्न की जगह हम हल पर ध्यान देते हैं समस्या की। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, और भी शेयरिंग है इसमें, जिन्होंने एक और लास्ट शेयरिंग हम ले सकते हैं। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। जितना ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में ये चली जाती है। और कोई शेयर करना चाहे, नहीं तो हम फिर दीपक भाई सारे समरी को जैसे प्रेजेंट करते हैं, वो उसको वैसे कर सकते हैं, ताकि हम इसको दोबारा से रिपीट कर लें। बहुत अच्छी वैल्यू है। तो एडवांटेज डिटैच होना, साक्षी होना, और ज्यादा हम देख सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, हमारे डिसीजन अच्छे हो जाते हैं, हम परिस्थिति की दूसरी तरफ भी देखते हैं, तो हमें हल जल्दी मिल जाता है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी शक्तियों को देखें, अधिकारों को देखें, हम तैयार हैं, हम सही तरह से काम करने के लिए। जब कोई पुरानी परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, तो हम क्रोध को जब हमें आता है, तो हम कहते हैं कि ये सारा ड्रामा है, इससे हमें भागना नहीं है परिस्थिति से, उसके साथ में ही रहना है। कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, अपने मन को शांत रखते हैं हम। स्थिरता का मतलब कि हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं, चैतन्य रख सकते हैं, जागृत रख सकते हैं, हमें ज्यादा मिल जाती है ताकत। बहुत अच्छी शेयरिंग सबकी रही। बार बार हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, मैं स्टेबल हूँ, अपने आप को याद दिलाएं, और हमें पता है कि ये जल्दी ही परिस्थिति निकल जाएगी। स्टेबिलिटी जो है वो मैच्योरिटी के क्लोज है, और ये शांति है, हमें खुशी देती है। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही हम सब की। थैंक यू सो मच। मैं अब इसके बाद डॉक्टर मनोज से कहूंगी कि वो टेक ओवर लेकर। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। आप सब बहुत स्टेबल थे, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज थी। 115 हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कितने नए हैं हमें नहीं पता। अगर आप चाहें अपने व्हाट्सएप नंबर, आप ईमेल शेयर कर सकते हैं, तो हम आपको जो है वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो फ्यूचर वर्कशॉप आती हैं, अपना आप इसी करते रहें शेयर, और हम सिस्टर विधि और सिस्टर अन्नू को भेज सकते हैं, और सबको एवरीवन में भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम लोग स्टेबिलिटी पे हम पहले ही हैं, क्योंकि अब मन जो है वो बहुत शांत है, स्टेबल है। हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि हम सिस्टर श्रुति की तरफ चलें एक्शन प्लानिंग में, फिर हम ट्राई करते हैं म्यूजिक के साथ। शुरू करते हैं, आराम से बैठ जाएं, शरीर को कंफर्टेबल कर लें। कितनी सुंदर हमें तस्वीर नजर आ रही है कि वेव्स आ रही हैं सागर के अंदर, जो स्टोन्स हैं उसके अंदर कितने स्टेबल और स्थिर हैं। इसी तरह से हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्थिर करें,
और एक बीइंग एस्पेक्ट में अपने स्थिर हो जाएं कि मैं ब्यूटीफुल आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ, कॉन्शियसनेस जो लाइट होने की है, कि मैं लाइट हूँ, जिस पल मैं अपने आप को स्टेबलाइज करती हूँ, स्थिर करती हूँ इस सूक्ष्म ध्यान में, तो अपने आप ही मेरा मन जो है वो धीरे धीरे होने लगता है, उसकी गति कम होने लगती है, मन की सोच और जो सोच है वो भी धीरे धीरे करके और भी सटल होती जाती है, धीमी होती जाती है विचारों की गति। तो ये इसका मतलब ये है कि हम अभ्यास कर रहे हैं आत्मिक अवस्था का। जितना ज्यादा हम मैं इस गहराई में, इस स्थिति की गहराई में जाने लगती हूँ, उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को स्थिर पाती हूँ। Beautiful spiritual being. एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जा। And in this totally subtle and spiritual consciousness. इस totally सूक्ष्म और सटल चेकिंग में। Let me take the second step. मैं दूसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ। अपने आप को स्थिरता के सागर से जोड़ लेता हूँ। परमपिता परमात्मा, वो है परमात्मा, दिव्य आत्मा, वो जो है वो स्थिरता के और शांति के सागर हैं। देखें अपने आप को, ये आप वही हैं। आप देखें और जो एक सुरक्षित अपने ऊपर कैनपी बनाई है परमात्मा की, उसको वैसे ही लगा के रखें। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है वो अपना स्थिरता के सागर की तरफ लगाएं। धीरे धीरे इसको महसूस करना शुरू करें। मैं एक स्टेबल आत्मा हूँ और अपने आप को मैंने आध्यात्मिकता के सागर परमपिता परमात्मा से जोड़ कर रखा है। और इस कनेक्शन के साथ, इस योग के साथ और इस जोड़ के साथ मेरे सामने से कितना ही कुछ निकल जाता है और मैं स्टेबल रहती हूँ। और इसके साथ में सिस्टर श्रुति से कहूंगा कि वो हमें एक्शन प्लानिंग की तरफ लेकर चलें। All right. Thank you. Now that we have
तो अब हमने जैसे इसको अनुभव किया है, स्थिरता को बात भी की है इसके बारे में, इसकी अब इसकी एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, हमने ये कहा कि हर परिस्थिति जो है वो हम उस स्तर की स्टेबिलिटी को दिखा नहीं पाते, हम उतने ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाते जितना हम रहना चाहेंगे। तो ये जो अगला पोर्शन है एक्शन प्लानिंग का, इसमें हम क्या करेंगे कि हम ध्यान करेंगे थोड़े मिनट के लिए कि क्या और तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऐसे कोई तरीके हैं जिससे कि हम अपने मन में स्टेबिलिटी को बढ़ाएं और कंटिन्यू करें, स्टेबल बने, अपनी जो करंट स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाएं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद हम शेयर करेंगे। ओम बाबा, so would somebody like to get us started? तो आप कोई स्टार्ट करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे? इस तरह से मैं अपनी इस स्थिरता को बढ़ा सकता हूँ काम करते हुए, या जो भी आपने सोचा हो उसके बारे में आपको लगता हो आप शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट डिसेबल हो गया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके जो है आप अब जो है आप अपने आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। Stability is proportional to the stability जो है वो proportional है self awareness के बराबर है। So I think what you're saying is it's more about self awareness. So the more aware. तो सबसे ज्यादा हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप के बारे में अवेयर रहते हैं, ध्यान रखते हैं, उतनी ज्यादा स्थिरता बनी रहती है। जैसे मैंने कहा था कि तो पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना,
जब कोई हमें मदद के लिए कहता है कोई ये कहता है कि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया तो हम कैसे अच्छी सोच क्रिएट कर सकते हैं फिर हम उनको बताते हैं कि क्या बेनिफिट है तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने लिए पॉजिटिव थॉट बनाएं जिससे कि हम खुद भी पॉजिटिव थॉट हमारे लिए और दूसरों के लिए मुझे लगता है कि जब हमारे में कंसिस्टेंसी होती जो भी हम काम कर रहे हैं वो मुझे स्टेबल रहने में मदद करती है जब हम chaotic situation में आते हैं किसी अनस्टेबल सिनेरियो में होते हैं तो हम एक मैं अच्छी तरह से कह सकती हूँ कि जो अच्छी रोज हमारी गुड हैबिट हो उससे हमें कंसिस्टेंट रहते हैं और हम स्टेबल रहते हैं और जब सिचुएशन आती है उसमें हमें सबसे ज्यादा स्टेबल करना होता है मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन हम रिपीट करते हैं और एक पेपर में हम या किताब में हम लिख के रख सकते हैं और हम उसको लिख कर रखते हैं कंसिस्टेंसी हम लगातार कुछ चीज को करते हैं और एक रिमाइंडर जो हम सोच रखते हैं रिमाइंड कराते हैं अपने आप को सैनम अनुभव करना परिस्थिति से भागना अच्छी बात नहीं होती है उससे ज्यादा परिस्थिति और भी वर्स हो जाती है हमें सोल्यूशन की आवश्यकता होती है जो शक्ति हमारे में होती है इससे हम जो उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अवेयर रह सकते हैं जागृत रह सकते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि क्या हो रहा है और फिर वो बार बार हमारी बात आती है तो बहुत अच्छा मेलनी गुड मॉर्निंग ये मेलनी है तो अच्छा सपोर्ट फ्रेंड्स का हम लेते हैं जो कि आध्यात्मिक हैं बहुत ज्यादा वो मुरली पढ़ते हैं उनसे हम मदद ले सकते हैं अच्छे फ्रेंड्स मेरे लिए अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनका हम सपोर्ट ले सकते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जब हमें सपोर्ट की जरूरत हो तो वो हमारे पास हो थैंक यू सो सपोर्ट जो है वो जरूरी है ओम शांति विजयपाल भाई मेरे प्यारे भाई बहनों मेरी प्यार शांति और सुखी की सुख के लोहड़ी का मतलब तो लो हरि का मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम्स हरि को दे दो जब आप स्टेबिलिटी जब कोई प्रॉब्लम में हो तो आप कि एक परम पिता परमात्मा है जिसको आपको स्टेबल बना सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं तो किसी भी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको उसमें स्टेबल बनने के लिए हर समय बस परमात्मा की याद से हम स्थिर हो सकते हैं तभी हमारे अंदर क्योंकि परमात्मा कहते हैं
ये कल्याणकारी ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो ये एक जो दृढ़ हमारे मन में सोच होती है, परमात्मा की सोच जो है, उनकी याद जो है, वो हमें सिर्फ वही स्थिर बनाती है। हैप्पी लोहड़ी टू यू। फेथ अपना निश्चय और परमात्मा को देना परेशानियां, और सब कुछ जो है वो कल्याण के लिए ही हो रहा है। एक और थोड़े चैट मैसेज है रंज, तो एक जो अच्छी फाउंडेशन है वो स्थिरता में स्टेबिलिटी जो है, अगर आप पूरी बिल्डिंग के बारे में सोचें, हमारी बहुत सॉलिड जो है वो आधार जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए स्टेबल बनने के लिए, सपोर्ट भी अच्छा हो। चार पिलर हैं जो इनिशियल फाउंडेशन है। ओम शांति। सो फाउंडेशन, तो जो फाउंडेशन आप कह रहे हैं, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ा मैंने सीखा स्थिरता, हम जिनसे सीख रहे हैं डॉक्टर बड़ैच, वो ये उनसे यही सीखा और हमेशा यही अप्लाई किया कि हमेशा ऊपर बाबा के साथ रहो, और जब काम करना है तभी आप नीचे हो। सबसे बड़ी स्थिरता मुझे ये इसी से महसूस हुई, माइंड जो है स्थिर रहता है, मन जो है वो स्थिर रहता है जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। अपने आप को जागृत रखें, उन्होंने जो कहा कि ध्यान रखें अपना, जब हम अपने ध्यान को नीचे लेकर तब आएं जब हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम अपने आप को हायर डायमेंशन में ऊंची अवस्था में स्थित रखें। ओके ओम शांति। मैं कहूंगा कि तो क्या क्या कारण हो सकते हैं पॉसिबल अस्थिर होने के, जिसे हमें ज्ञान है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिससे कि हम अस्थिर हो जाते हैं। हमने सोचा और देखा कि क्या हमें टूल्स यूज करने की जरूरत है, और रूल मतलब जितने ज्यादा when you are able to maintain thought which are positive, knowledgeful of wisdom of power, just some positive thoughts, or apne mann mein jo bhi situation hoti hai, paristhiti hoti hai, kisi bhi tarah ki paristhiti ho, chahe jaisi bhi ho, fir bhi hum achhi soch apne mann mein lekar aaye to hame bahar ka prabhav nahi padta hai। तो बाहर की जो परिस्थिति है वो आपके मन को प्रभावित नहीं करती है। जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट चल रहे होते हैं तो अपने अंदर जा करके हम, तो उससे हम पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं, और वो विवेक से आता है, आध्यात्मिक ज्ञान से आता है, और कौन सी शक्ति की जरूरत है। तो आपने सारी सीरीज जो है वो आपने करके रख दिया। मुझे लगता है कि हम समय पर पहुंच गए हैं, फिर भी मैं उनके पास जाती हूँ। माइकल कह रहे हैं कि जो एकांत और सोशल लाइफ में बैलेंस रखें, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करें। बलविंदर कह रहे हैं कि अपने आप को याद दिलाएं कि मैं स्थिर हूँ और एक स्थिर आत्मा हूँ, और परमात्मा जो है उसके एक सागर हैं, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, वो स्थिरता के साधन हैं। जायंटिक सोच में
remembering, revising, reflecting all the time. Remember, revising, and completing. Like Dadiji. Sanam says Baba has given us, or God has Baba ने कहा, सनम कहती हैं कि जो हमें ज्ञान की जो मोती दिए हैं, सभी समस्याओं में हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव. अनु कहते हैं कि shifting quickly any negative thoughts and feelings into positive by being aware that I am a soul child. हमें ये याद रहता है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और कुछ भी नहीं हूँ. Deepak bhai, if you want to just quickly flash the slide before I आप दीपक भाई सारी स्लाइड्स को एक साथ में करके दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद हम मनोज भाई को देंगे. थैंक यू शुक्रिया. So again, just a summary of being aware of my thoughts. Stability is proportional to self-awareness, having the balance throughout, positive thoughts and reminding others to be positive, consistent daily good habits. रोज अच्छी अच्छी हैबिट्स रखनी है, आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान देना है, सपोर्ट लेना है और रोज रिमाइंडर लगाना है, जैसे सर ने कहा, क्रोध करना है. ओके, थैंक यू. मनोज भाई कह रहे हैं आप याद दिला दें कि इसमें जो 13 और 14 जो हैं वो कैलेंडर के हिसाब से वो दिन हैं. मैं कोई एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं पता कैसे मैं कह सकता हूँ, लेकिन सन जो है वो आते हैं और इसको हम उत्तर नारायण कहते हैं. Have started becoming longer, so there is more brightness in the days, and people feel much more better coming out of the sad, depressive days of December. Sad or depressive days से बाहर निकलने के लिए 21 दिसंबर जो सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं. हमारे साथ इस जयंती बहन थे पिछली बार वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज के प्रोग्राम में. वो कितना सॉफ्ट बोलती हैं, धीरे बोलती हैं, मीठा बोलती हैं, और उन्होंने बात की है कि शायद मैं ना आऊं, जिसमें उन्होंने निश्चय की बात की है. तो जिसमें हम जिसमें हम ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखते हैं निश्चय के बारे में. सो निश्चय स्वयं में, परमात्मा में और अपनी परिवार में, लौकिक अलौकिक परिवार में. ये एक और है जो कि काफी ज्यादा थोड़ा मुश्किल रखना है. इसमें जो भी ड्रामा का बात पवन ने कहा है, इसमें जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. वो कह रहे थे कि अगर आप सभी डिसाइड करोगे, ये एक स्थिति होती है जिसमें हम अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं. इसमें मैं एक और कहूंगा कि वो जो कर्माती स्टेज होती है, ये बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें कि आपके चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है वो आप उससे प्रभावित नहीं होते. उसमें आप बैलेंस होते हो और आप ऊपर रहते हो. जब भी कोई आपकी स्तुति करता है या निंदा करता है, आप उसमें ऊपर नीचे नहीं होते, अप्रभावित रहते हो. और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कहा कि चीजें जो हैं वो काफी बदल रही हैं, बहुत तेजी से. जो नेचुरल क्लाइमेटीज जो आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, ये क्लाइमेटीज जो हैं, हमें अपनी निश्चय को बनाए रखना है इन सब परिस्थितियों के होने के बावजूद भी. और उन्होंने कहा कि अस्थिरता आती है जब हम प्रश्न उठाते हैं, डाउट आते हैं जब हमें अपने मन में, बुद्धि में, अगर हम वाई व्हाट करते हैं तो ये हमारे मन में विघ्न लेके आते हैं. तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, ये नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है, हमें वाई नहीं करना, फ्लाई करना है. और उन्होंने कहा अपनी इनर लाइट को देखना है, जो हम वाकई में हैं. मैं शाइनिंग ब्राइट पॉइंट हूँ लाइट का. ये राजयोगा का बेसिस है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने आप को समझना,
ये हम इसकी कल्पना नहीं करते, ये हमारी सच्चाई है कि मैं हूँ, मैं एक लाइट हूँ। और एक बार जब मैं ये समझ जाती हूँ, फिर हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं जैसे हमने अभी बात की, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। दीदी ने कहा कि जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये वाकई में कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर जो है वो भी हमने लोन पर लिया है अपने कार्मिक अकाउंटर को सेटल करने के लिए। मैं अमर अजर अविनाशी आत्मा हूँ। जब हमारे में डर होगा तो फिर हमारी वो अस्थिरता को लेकर आएगा, तो हमें इस अस्थिरता से दूर रहना है कि ये जो मैं आत्मा हूँ, सारे जो डर हैं वो निकल जाते हैं। और हमें कोशिश करनी है ये सुंदर रिश्ता जो है वो परमपिता परमात्मा से बनाना है। और सारे रिश्ते जो हैं वो हमारा पेरेंट है, परमपिता परमात्मा है, वो हमारा फ्रेंड भी है, गाइड भी है, फिलोसफर भी है, वो गुरु भी है, टीचर भी है, हमारा जो है वो पति भी बन सकता है, जो भी अपना साथी कंपेनियन हम उसको बना सकते हैं। जब हम इस तरह का रिश्ता बनाते हैं, इस तरह की विधि को अपनाते हैं, सारे संबंधों को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो हमें बहुत शक्ति आती है और डर जो है वो निकल जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा बहन ने बताया, जयंती बहन ने, जो सिस्टर श्रुति ने हमें वो कराया था, जैसे कि उन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस रिश्ता जो परमात्मा के साथ है उसको और गहरा करते जाएं और अपने निश्चय को और बढ़ाते जाएं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी में, एक बल एक भरोसा, जैसे हिंदी में एक बल एक भरोसा कहते हैं, अगर हम वो डेवलप कर सकते हैं और एक अपनी आध्यात्मिक परिवार में हमारा विश्वास हो, फिर हमारे मन में कोई किसी तरह का डर नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम निश्चय को खो देते हैं अपने परिवार में, जैसे हम कहते हैं कि लौकिक दुनिया में भी हो रहा है और अलौकिक दुनिया में भी यही हो रहा है। किसी की भी कमजोरियों को हम ना देखें, अपने आप को देखें और पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे सिस्टर रहना ने कहा, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। लास्ट पॉइंट जो था वो मुझे अच्छा लगा कि परमात्मा को जैसे मेरे में विश्वास है और हमें वो हमें स्टेबल बनाता, इसी तरह क्या मेरे मुझे भी परमात्मा में निश्चय हो सकता है। इससे हमें जो है वो स्टेबिलिटी आती है। अगर हम स्टेबिलिटी में रहेंगे तो दूसरों को भी हम स्टेबिलिटी का भान दे सकते हैं, स्थिरता का। हम अपनी वृत्ति को बदलें दूसरों के प्रति, जो भी गलत उन्होंने किया या सही किया, हमें ऐसा लगता है कि वो गलत है, कि वो सही नहीं है, हमें लगातार उनमें निश्चय रखना है। वो मदद करता है। आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, फिर हम इसके द्वारा आगे निकल सकते हैं। क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं वो बदलते हैं, जो हमें जो एक निश्चय है वो उनको को स्थिरता प्रदान करता है। दीदी ने कहा मनसा सेवा को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। सेम पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं 30 मिनट या एक घंटे, तो कुछ मिनट अपने परमात्मा को हम प्यार से, जो बाबा कहते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं कि दूसरी आत्मा जो है वो इसको महसूस कर रही हो, तो हम परमात्मा को याद करें, उस आत्मा को नहीं याद करें, तो फिर हम उस आत्मा के साथ अपना परमात्मा की तरफ हम जो है सिर्फ उसको हम फॉरवर्ड कर दें और उनसे जुड़कर आत्मा को ना याद करते हुए फिर भी आत्मा को हम वाइब्रेशंस भेजें। अपने मन से हम सेवा करें। एक स्थिर मन जो है वो ही सेवा कर सकता है। जो मन इधर उधर भागता रहता है
हमें भी शक्ति नहीं मिलेगी दूसरों को तो हम कैसे देंगे अगर मन स्थिर नहीं होगा. हमें अपने मन से सेवा करने के लिए हमारे मन को स्थिर होना बहुत जरूरी है. और दीदी ने कहा हम ब्रह्मा कुमारीज में ये कहते हैं कि दो आत्मा की जो फैकल्टी है मन और बुद्धि, हम अपने मन को साफ करते हैं, जितना भी हमारे मन में वेस्ट है हम उसको निकालते हैं, और बुद्धि जो है वो स्पष्ट हो, जिसके अंदर क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो. ये हमने आशा दीदी और चार्ली भाई के साथ ये हमने कवर किए हैं मूल. हमारी बुद्धि इतनी साफ हो, क्लियर हो, कि जब हम कोई डिसीजन लें तो उसमें कोई डिसीजन में हमें ये गलती ना हो, हमारे मन की सफाई हो उसके अंदर. और ये तभी हो सकता है जबकि मन हमारा स्टेबल है. परमात्मा का जो प्यार हम लेते हैं, अपने मन में दुख किसी भी प्रकार का ना रखें. जब मन दुखी होता है तो वो सेवा नहीं कर सकता. और उन्होंने दादी जानकी की स्टोरी बताई, जो हमेशा वो कहती हैं, अपनी खुशी को कभी भी ना खोएं, क्योंकि जब आप अपनी खुशी को खोते हैं, अगर आप आध्यात्मिक निमित्त बने हुए हैं तो तुम दुख नहीं हो सकते. अगर तुम दुखी होगे तो फिर खुशी तुम्हारे पास से प्रचारित नहीं होगी. भवन, उन्होंने कहा कि तुम एक लाइट हाउस हो. उन्होंने कहा कि बहुत स्टेबल रहें, अपनी कॉन्शियसनेस में रहें, इसको प्रैक्टिस करें, सारी हलचल से निकलने के लिए हम ओके कहें, और ये कहें कि मैं इसको सबको समझती हूँ. स्टेबिलिटी जो आती है वो आती है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ. तो दादी जानकी जो वो ओम शांति कहती थी तीन बार कि मैं आत्मा हूँ शक्तिशाली, और दूसरा मेरे परमात्मा वो मैं किसकी हूँ, और तीसरा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. तो ये दादी जानकी ऐसे कहते होते थे. तो हमें ये ध्यान में रखना है. तो प्रश्न थे मेरे पास, थोड़े मिनट हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, तो देखता हूँ मैं कितने. किसी के ऊपर भी फोकस ना करें, किसी के साथ एक मनसा सेवा करने के लिए किसी के साथ कनेक्ट ना हो. मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले परमात्मा को सरेंडर करें. लोग पूछते हैं कि मैं काम पर, मैं घर में हूँ, अगर मैं काम पे हूँ तो वो लोग मुझे डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वर्कलोड जो है मैं कैसे उसको हैंडल करूँ. सो स्पिरिचुअल अथॉरिटी और स्टेबिलिटी में फर्क होता है. लोग आपको ग्रांटेड ना लें, आप स्टेबल रहें बहुत अच्छे तरीके से, और उनको बता दें कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे उदार तरीके से. 4 बजे 5 बजे उठना बहुत इजी, ये क्वेश्चन कई बार आया है. 4 बजे उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दीदी ने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, हमें उस समय उठना चाहिए. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो फायदा है, योग की जो क्वालिटी होती है उस समय वो बहुत अच्छी होती है. वो समय होता है सभी जो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो 4 बजे का टाइम जो है अमृत वेला होता है. जब हमारे पास कम मनी हो तो हम अपने बच्चों के लिए भी बचा रहे हैं, तो हम कैसे धन से सेवा कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि अपने मन की इच्छा को ना बनाएं कि मुझे सेवा करनी है. बहुत अच्छी तरह जीवन में और भी प्रायोरिटीज हैं काम करने के लिए. अपने लोगों की सेवा पहले करें. परमात्मा हमें यही सिखाते हैं, जो हमारा परिवार है उसकी सेवा हमें करनी है. हमें माइंडफुल रहना है कि क्या मेरे खर्चे हैं और किस तरह से मैंने अपने आप को चलाना है, क्योंकि मैं उस परिवार में हूँ. और फिर बहुत अच्छे तरीके हैं सेवा करने के. खाली पैसों से ही नहीं सेवा की जा सकती, तन मन धन से सेवा की जा सकती. तन यानी शरीर, जिसको हम कर्मणा सेवा जिसके द्वारा कर सकते हैं. मन, जैसे मनसा सेवा भी हमने पहले बात की, मन से सेवा कर सकते हैं और धन से भी होती है. तो मेरा समय हो चुका है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि ब्रदर योगेश हमारे साथ में हो. आप ब्रदर योगेश को स्पॉटलाइट कर सकते हैं.
ये फरिश्ता जो है वो टर्की से आए हैं, इससे पहले कि हम ब्रदर को दें, हम इनका परिचय जो है वो एक पोयम के रूप में कहते हैं। आज हमारे साथ 150 लोग हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ा है, हम सभी का शुक्रिया करते हैं। लोग आपको सुनना चाहते हैं। ब्रदर योगेश जो हैं वो टर्की में सेवा करते हैं, ये ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं 25 सालों से। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बहुत सालों से ये राजयोगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। लंदन में ऑक्सफर्ड में इनका पालना हुई है। ये ट्रेनर हैं और वर्कशॉप फैसिलिटेटर भी हैं, बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप्स करते हैं पूरी दुनिया में। और कुछ टॉपिक इन्होंने करे हैं स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग, इस तरह के इनके वर्कशॉप्स होते हैं। ये हमारे साथ काफी सारी वर्कशॉप पहले कर चुके हैं। एक कुछ लाइनें मैं इनके बारे में कहूंगा और स्थिरता के बारे में ब्रदर अपनी शेयर करेंगे कि इस केओस में हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं। तो लोग जो हमारे साथ चारों तरफ हैं, हम उन पर डिपेंड ना हो, जिनकी जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया है, हम उनके लिए रिलायबल हों। तो ये सिनेरियो जो है वो हमेशा बदलता रहे, द वन हु आर ड्यूरेबल। इसमें डिफरेंस है प्रोड्यूजस और रेशियल में। परमात्मा आते हैं, वो हमें बताते हैं इस सृष्टि चक्र के बारे में, एक कहानी की तरह, एक फेबल की तरह। वो हमें सिखाते हैं कि मेडिटेशन में हम एक कैसे उनके साथ जुड़े, केबल की तरह। वो हमें बताते हैं कि डाइव विद इन, अपने अंदर जा कर के जो अपने फॉल्स आइडेंटिटी है, अपने लेबल हैं, उसको हटाएं। उसकी वजह से हम अनस्टेबल होते हैं। तो हम एक बहुत ही स्थिर खड़े रहें, एक यूनिपॉड के ऊपर जाने की यात्रा की, एक टेबल पर खड़े होने से। तो ब्रदर ने स्थिरता और योगेश भाई के बारे में ये कविता लिखी है। थैंक यू सो मच मनोज भाई, हमेशा की तरह आप इतने सुंदर लाइंस लेकर आते हैं। हम आपके साथ एक घंटा बिताएं इस कविता में, ये हम इतना समय तो लगेगा इस कविता को आपकी एडमायर करने में, समझने में। पिछली बार जब मैं दीदी जयंती को जब हम सुन रहे थे स्टेबिलिटी के ऊपर, स्थिरता के ऊपर, मेरे पास इतना ज्यादा तो नहीं है ऐड करने के लिए, क्योंकि वो कितना गहराई में उन्होंने इसके बारे में बात की। मैं कहूंगा कि मैं थोड़ी सी बात और शेयर कर सकता हूं, अपने आइडिया शेयर कर सकता हूं अपनी तरफ से। तो इस प्रेजेंटेशन को और कैसे इलस्ट्रेटिव बना सकते हैं। तो स्थिरता जो है वो एक बज वर्ड है इस समय का। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर की बहुत अस्थिरता है। हम देख रहे हैं आर्थिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर और एनवायरनमेंट के तौर पर कि कितनी ज्यादा अस्थिरता है। ज्यादा से नए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं पूरी दुनिया में। जहाँ पर मैं हूँ उस रीजन में कि क्या करना चाहिए जब आप इतने घिरे हुए हैं इतनी ज्यादा अस्त, किस तरह से हम अस्त प्राप्त कर सकते हैं। तो हम थोड़े से सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें जो आप अपनी चेयर पर बैठे हैं, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उस चेयर पर बैठे हुए। आप अपनी चेयर पर कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर वो स्टेबल है, अगर वो स्थिर है। वो स्थिर तभी तक रहेगी अगर वो बैलेंस है। बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। चार जैसे कुर्सी की टांगे होती हैं, सेम साइज की होती हैं, तो अगर चेयर बैलेंस में होती है तो वो चेयर स्टेबल रहती है, और अगर वो स्टेबल होती है, स्थिर होती है, तो वो कंफर्टेबल महसूस कराती है। जब कुछ कंफर्टेबल होता है,
तो हम उस पर बैठे रह सकते हैं कुछ समय के लिए और ज्यादा समय के लिए. तो ये जो रिजल्ट है उस सस्टेनेबिलिटी का, तो हमें देखना होगा ये इतने सारे जो आइडिया हैं कि किस तरह से जो स्थिरता है वो बैलेंस के साथ जुड़ी हुई है. बैलेंस मेरे रिश्ते में मेरे साथ, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ उसमें बैलेंस, और मेरा रिश्ता जीवन के साथ और परमपिता परमात्मा के साथ उस बैलेंस की. तो हम देखते हैं कि तो हमें स्थिरता को पाने के लिए इस दुनिया में जहाँ पर इतनी केओस है कैसे हम कर सकते हैं. तो मैं ये स्लाइड शेयर करना चाहूंगा आपसे, एक मिनट दें. ये एक इमेज है जो आपने हो सकता है पहले भी देखी हो. ये सैटेलाइट की इमेज है, ये हरिकेन की इमेज आ रही है. बहुत बड़े होते हैं ये किसी किसी कंट्री से भी बड़े हो सकते हैं. जब हम ऐसे तूफान को देखते हैं तो हम इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं. देखते हैं हम इस तूफान के बीच में, उसके बीच में एक बहुत ही शांत प्लेस होता है जिसको कि हम आई आंख कहते हैं. उस तूफान की उसमें हम कुछ शांति महसूस करने के लिए अगर हम उस तूफान के बीच में होते हैं, तो ये जीवन के लिए भी एक सुंदर मेटाफर है कि जब हम किसी पर ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, कैसे केओस से निकल रहे हैं, जो जब चारों तरफ अस्थिर है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम जा सकते हैं जो हमें शांति का महसूस कराता है. वहां पर रह सकते हैं और वहीं से हम अपने कार्य को कर सकते हैं. जो तूफान है वो कभी अचानक से आ जाते हैं बिना कुछ चेतावनी दिए हुए. जो तूफान है वो डैमेज भी करते हैं. वो तूफान जो है वो तो ये जो आइडियाज हैं हम इसको इस्तेमाल जब करते हैं, हम कहां जा सकते हैं ऐसे तूफान के समय पर जिससे हमारे में बहुत अस्थिरता आती है हमारे जीवन का. अगर हम अनुभव देखें तो हम देखते हैं कि एकदम सडन चेंजेस होते हैं जो हमें अस्थिर हैं परिस्थितियों में, और इसके रिजल्ट में हम अनेबल हो जाते हैं. जिस तरह से हम यात्रा करनी चाहें उस तरह से नहीं कर पाते और एक केओस सा बन जाता है. कोई तूफान हो सकते हैं अस्थिरता के, हमारे परिवार में भी कुछ हो सकता है. कोई फैमिली मेंबर जिस पर हम ज्यादा निर्भर करते थे, जो राइट हैंड था वो वहां पर अब नहीं है या वो कहीं चले गए हैं, तो हमें एडजस्ट करना होता है, उस वास्तविकता को स्वीकार करना होता है. वहां पर कुछ अस्थिरता आती है, जॉब में कुछ परिवर्तन आता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो वाले स्टैंडर्ड से हम नहीं जी पाते जो हैं हम जी रहे थे. तो उसमें हम कैसे अपने आप की स्थिरता को बनाए रख सकते हैं. और फिर हम आगे देखें तो कारण जो है वो कम्युनिटी में कुछ हुआ या नेशन में, अपने देश में कुछ हुआ, पूरी दुनिया में अगर हम देखें कुछ हुआ, तो हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें कि बहुत बदलाव परिवर्तन आता जा रहा है जो अस्थिरता का कारण है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और घबराहट है ऐसी दुनिया में रहने के लिए जहाँ पर कि सब कुछ अनसर्टेन है. लेकिन हम क्या सीख रहे हैं इस स्पिरिचुअल स्टडी में कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते. जो भी परिवर्तन के तूफान हैं, या तो आप बिल्कुल सेंटर में चले जाएं उस तूफान के,
जिसमें अपने आप को जानना जरूरी है और अपने लिए जीना जरूरी है. जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम जितना जल्दी ये कर लेते हैं, हम जो अस्थिरता है उसको, हम जो बदलाव आते हैं, तो जो हमारी वो उन परिस्थितियों पर प्रभाव डालती है. तो इसको देखने के लिए अपनी दुनिया में, आंतरिक दुनिया में देखें कि जीवन में अंदर से बाहर जाती है. हम बाहर से अंदर कुछ नहीं करते हैं, अंदर से बाहर जाती है. तो कभी कभी हम देखें कि जब परिस्थितियां आती हैं, मेरे पसंद की होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, लोग व्यवहार करते हैं, वो मेरी इच्छा से होते हैं, तो वो मुझे स्टेबल महसूस कराते हैं, मैं संतुष्ट रहता हूँ. और वो बहुत टेम्परेरी होता है, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं, लोग जो हैं, वो बदलते हैं और वो हमारे हाथों में नहीं है. लेकिन जो अंदर से बाहर है, कि मुझे समझ में आया कि मैं अपने अपने अंदर की दुनिया का कैसे ध्यान रख सकता हूँ, कि किस तरह से हम अपनी सोच को, एनर्जी को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, एक राइट और हेल्दी एटीट्यूड जो है इसकी तरफ हम बना कर रहते हैं, तो हम दुनिया से कैसे इंटरेक्ट उस समय कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है. तो ये जो अगला मॉडल है, ये इस आइडिया को प्रमोट करता है. अगर मैं स्टेबल रहना चाहूं अपने जीवन में, जीवन, परिस्थितियां, संबंध, कार्य, जो हमारे एक्शन है, मेरे शब्द हैं और मेरी सोच है, ये सब कुछ शुरू होता है मेरी सोच से. ये जो योगी लाइफ है, मेडिटेशन लाइफ है, ये इसी आइडिया के चारों तरफ घूमती है. तो जो हमारी सोच है, वो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है. थॉट्स जो है, वो हमारे जीवन की करेंसी है. हमें बहुत ज्यादा इस पर अपने अटेंशन पर, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ देखते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, उतना ही हमें सोच पर ध्यान रखना है. जैसे जैसे हम अपनी थॉट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, हमारे जीवन में हर चीज जो है वो अच्छी होती जाती है. मुझे याद आता है कि जब मैं बच्चा था, जो हमारे मेडिटेशन टीचर थे, उन्होंने हमें कुछ भेजा और उन्होंने कहा, किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए उस अपने आप को सबसे पहले स्थिर करना होता है, अपने स्वमान में स्थिर करना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आप को स्थिर करना होता है, जो अपना हम सेल्फ रिगार्ड कहें, स्वमान कहें, उसमें अपने आप को स्थिर करें, कि वो जो हमारे अंदर है उस पवित्र जगह में, और फिर परिस्थिति को देखें, या सिचुएशन को या परिस्थिति को देखें जो आपके सामने है. एकदम से परिस्थिति को सॉल्व करना ना शुरू कर दें. सबसे पहले अपने आप को सॉल्व करें. सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप को सॉल्व करने का मतलब है, सही सोच में आए, अपने मन को स्थिर करें. तो जब आप परिस्थिति को देखेंगे, तो वो परिस्थिति जो है, वो ज्यादा वो आपको डराएगी नहीं, आप उससे डरेंगे नहीं. तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होता है, बहुत ही गहरा अभ्यास, क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम से एक परिस्थिति को हम ठीक कर लें, या उसके को हम डील कर लें, या लोगों के बारे में बिना अपने आप को, मन को स्थिर करे हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ डिग्निटी में हम अपने आप को स्थिर करें.
जैसे एक ये छोटी सी इमेज है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी तरफ हम देखते हैं, तो नंबर वन जो है लेफ्ट में, देखें हम कि यहाँ पर हम हैं और हमारे पास में प्रॉब्लम है, जो भी परिस्थिति है या प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पैसों की हो सकती है, किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, तो हम अपने आप को देखते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी नजर आती है और हम छोटे हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप हम अपने घबराते हैं, कुछ हमें घबराहट होती है, स्ट्रेस महसूस होता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाएं तो यदि हम बड़े हैं, प्रॉब्लम तो सेम साइज की है ना, लेकिन हमने अपने आप को बड़ा कर लिया, आप परेशानी से, परिस्थिति से, व्यक्ति से बड़े हो गए, तो क्या बदला? परिस्थिति तो सेम ही है, जो प्रॉब्लम है या परिस्थिति है किसी भी बात से रिलेटेड है, लेकिन बदलाव क्या हुआ कि मैं बदल गया, क्योंकि मैं शक्तिशाली ज्यादा बन गया, मैं बड़ा हो गया उस परिस्थिति से, पहले से मेरी जो मानसिक अवस्था है वो ऊंची उठ गई, तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो वही है लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप परिस्थिति से अपने आप को बड़ा देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने अवस्था को इतना ऊंचा ले गए हैं। दादी जानकी का जैसे नाम लिया था पहले भी, वो कहती थी हमेशा क्या बड़ी बात है, कितनी क्या बड़ी बात हो गई है, तो वो ऐसे कहते होते थे। जैसे मैं उनको, कुछ ऐसे इश्यूज थे, मैं उनके पास गया उस परिस्थिति को, परेशानी को लेके, मैंने उनको बताया कि ये परिस्थिति है, तो उन्होंने यही कहा क्या बड़ी बात है, तो उन्होंने कहा तुम तो परिस्थिति से बड़े हो, तुम्हारे में जीवन है, परिस्थिति तो सिर्फ। जब हम प्रॉब्लम कॉन्शियस बन जाते हैं तो हम अपने अंदर अस्थिरता अपने मन में, अपने सोच में और अपने कर्म में ले आते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रेस होता है। तो हमें इस सोचने के तरीके में जाकर सबसे पहले, चाहे कुछ भी हो, अपने स्टेबल स्थिर जगह में जाना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं, मेरी शांति, मेरी खुशी, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। उस अवेयरनेस में रहते हुए फिर वो हमें बड़ा बनाती है और हम बड़े बन जाते हैं उस परिस्थिति से जो बाह्य प्रॉब्लम है। तो ऐसा करने के बाद, कुछ समय ऐसा करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को बड़ा देखते ही नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं एक एंटरटेनमेंट की तरह, रमणीकता की तरह, एक खेल की तरह। वो आपको, हम उसमें अनस्टेबल नहीं होते इमोशनली, तो हम जितने ज्यादा स्टेबल बनते जाते हैं मन से और तन से, जैसे भी, जितना ज्यादा हम स्टेबल बनते जाते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं उस एनवायरनमेंट में भी स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, तो हम लाइट हाउस बन जाते हैं स्थिरता का, क्योंकि तुम्हारा अपना मन बहुत शांत है। और हमें क्या रिमूव करने की जरूरत है? अस्थिरता की जड़ों में जाने के लिए और हमें क्या करना पड़ेगा? एक और कारण है अपनी अस्थिरता का, कि हमारा मूड जो है वो स्विंग होता है, जो हमारे जीवन का फीचर है। एक उसका कारण है कि फ्रुटाइल प्रसूट ऑफ डिजायर, यानी जो हमारी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, हम उसके पीछे भागते हैं, तो हमेशा अस्थिरता आती है और असुरक्षा की भावना
पैदा होती है. हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें मार्केटिंग और चीजों को बेचना सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार ये चीजें हमारे ऊपर आती हैं जिसमें कि बेचने की चीजें हैं जो, तो हमारे मन पर ये बहुत प्रभाव डालती हैं. अगर हम एक इक्वेशन देखें कि हमें अंदर की जो बात है वो समझ में आएगी इच्छाओं के बारे में, तो ये जो है इस सिंपल है एक्चुअली बहुत, जैसे ये लग रहा है. हम देखते हैं ये सेंटेंस जो ऊपर लिखा है, पहला डोंट गेट व्हाट आई वांट, ए और बी, तो उसके बाद हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है जो कि सी है, उसका रिजल्ट है. उसके नीचे जो सेंट है, मुझे वो मिलता है जो मुझे नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट होता है स्ट्रेस, निराशा और स्ट्रेस. गेटिंग और नॉट गेटिंग वो ए है, चाहना और ना चाहना वो बी है, और जिस तरह से हम महसूस करते हैं उसका मतलब सी हो गया, यानी ए बी और सी. तो हम क्या करना चाहेंगे कि सी को बदल दें. हम ना तो स्ट्रेस महसूस करना चाहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट निराशा महसूस करना चाहते हैं. तो इसको दूर करने के लिए हम, तो फिर हम इक्वेशन को देखें, कि मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए है, या मैं ए से डीलिंग करता रहूं और ए से बी से, मतलब और मुझे बी से वर्कआउट करना है. तो जनरली आप स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग मैं ये कहूंगा कि हम ज्यादा ए पर फोकस करते हैं, ये गेटिंग पार्ट है, जो मुझे चाहिए वो मिलता है तो मैं हैप्पी भी हूँ, खुश भी हूँ, सिक्योर भी हूँ, सब कुछ हूँ. तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम दूसरी तरफ जाएं, क्योंकि उसकी तरफ हार्ड वर्क करते हैं हम, तो जो एनर्जी काम करती है उसको हम कहते हैं, वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है जीवन की तरफ, कि जो हम चाहते हैं, जो हमें मिलता है, जो प्रॉपर्टी पोजेशन या फिजिकल चीजें नहीं है, वो इमोशनल भी, इमोशनल इच्छाएं भी हो सकती हैं, कि हम कैसे, तो जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें, और अपने आप से पूछें कि जब भी आप कुछ चाहते हैं, तो ये वांटिंग बिजनेस जो है, ये चाहना की आशा रखना, ये क्या है, तो कहानी क्या है इस चाहना के पीछे. तो इसीलिए मैं जितना, जब तक कि मैं कुछ चाहता हूँ, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए किसी से, तो अस्थिरता होती है मन में और किसी ना किसी तरह का दर्द होता है, क्योंकि तुम्हें कभी मिलेगी और कभी शायद ना भी मिले ना. तो इसी तरह से हम कहते हैं कि अपनी जितनी जरूरत है उतने का ही लें. सॉरी मैं इतना ब्लंटली कह रहा हूँ कि जितना मुझे, हमें चाहना होगी उतना ज्यादा हमें दुख या परेशानी मिलता है. मैं इस सिचुएशन में अनस्टेबल हूँ, फील अनस्टेबल,
from this person? क्या मुझे कार्य पर भी ऐसी कोई अस्थिरता हो सकती है? तो ये कारण मेरी अस्थिरता के हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं, जो इच्छा की हमारी जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ये डीपर है, समझने के लिए बहुत गहरी बात है कि क्या कहानी है इच्छाओं की। ये हमें बताता है कि दो मेन डिजायर्स की बात बताता है। राइट हैंड साइड जैसे हमने समझाया कि टेम्पररी डिजायर, is conscious, is obvious, but a lot of the time it is subconscious and we don't even realize we have these desires. So as you can see, इच्छाएं जो होती हैं हमारे अंदर, जैसे आप देखें जो ये लिस्ट है, डिजायर कौन सी होती हैं हमारी, हमारी प्रेज हो, महिमा हो, प्रेस्टीज हो, हमारे किसी ना किसी तरह से सत्कार किया जाए, सम्मान किया जाए, मिस्टर और मैं मिस्टर और मिसेज ये हूँ, तो मेरा इस तरीके से सम्मान होना चाहिए। मे बी एक और जो डिजायर है, पावर की, स्टेटस की, किसी ना किसी तरह की, तो इच्छा जो है वो ए से शुरू हो रही है ज्यादातर। बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो हो रही हैं, जिसमें स्वीकारता है, एडमायरेशन है, इसके लिए अटेंशन, यानी कि दूसरों से हमें कोई अटेंशन मिले या दूसरे हमें अप्रूव करें, वो एक वियर्ड बिहेवियर से नजर आते हैं। मुझे बहुत कार्य करने की जरूरत है, तो इच्छाएं जो हैं वो, कोई हम कार्य करते हैं तो उसकी जो है इच्छा होती है कि हमें स्वीकार, हमें बताएं कि वो अच्छा हमने काम किया। इच्छा जो है वो स्वीकारने की आती है, ये एंडलेस है। वो हमेशा हमसे भाग जाती हैं। इसका जो रिजल्ट है वो इमोशनल, वो ये हमें बहुत सारा केओस बना देता है व्यक्ति के अंदर। मैं आपकी परछाई के पीछे नहीं चलूंगी, लेकिन पीछे मुड़के एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूंगी। तो जो आंतरिक इच्छा होती है, जो बहुत ही अंदर होती है, इच्छा के अंदर इच्छा होती है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, उसे सोना, उस सोना वाला पथ प्रवर्तित है, सेक्रेट वाला भी है। आप इसको जब बहुत क्लोजली देखते हैं, जो कि एक इटरनल इन डिजायर के रूप में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में आती है। किसी ने कोई अप्रिशिएशन नहीं किया, किसी ने कोई धन्यवाद नहीं दिया। कितनी बार ऐसा हुआ और मुझे एक दिन सबको क्विट कर दिया, ये कह दिया कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा। जब उन्होंने पूछा
तो परमात्मा ने भी उन्हें बोल दिया कि और उनको हम कह सकते हैं तो जो अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो हम उनको अपनी आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि फोकस करो अपनी जरूरतों पर, अपनी इच्छाओं पर फोकस नहीं करना है, जरूरतों पर करना है। हम वांट्स के पीछे नहीं जाते हैं क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जो जरूरतें हैं वो हमारे अंदर ही हैं, तो वो हम बहुत अच्छी खबर है। ये जो जरूरतें हैं, ये पीस का पीस है, ये हमारे अंदर ही है, वो हर एक आत्मा के अंदर ही है। लेकिन जो सीड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको हमें पानी देना होता है। तो जब हम पानी देते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं और हम अपनी कॉन्शियसनेस में उनको महसूस कर सकते हैं। जितने ज्यादा हम फुल होते हैं पीस रिस्पेक्ट में और जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं हम उतने ही ज्यादा, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्टेबल है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब एसेंशियली क्या है कि पीस, लव और इंजॉय जो है वो महसूस कर पा रहे हैं, वो उनको महसूस होता है। लेकिन जब भी आप, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारी आशा खो जाती है। लेकिन जब कोई बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर होता है, अनस्टेबल होता है, तो जो शांति प्रेम जो है वो बहुत कम होती है उस आत्मा के अंदर। इसलिए तो हम अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने आप के साथ में ये रखना है। तो किस तरह से हम फीड कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ की चीज को? तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इसमें ये खाली बैठ करके प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये लिविंग और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हम दिन निकलता है, दिन में होते हैं, कि क्या हम उस नेचुरल मेडिटेटिव स्टेज में रह सकते हैं, और यहाँ तक कि हम जब काम भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, अपना जीवन भी देख रहे हैं, कि मैं इस आत्म शक्ति लेकर अपनी जॉब को अच्छी तरह कर रहा हूँ, हमारे रिलेशनशिप और हमारी शक्ति, हमारे अपने साथ क्या रिश्ता है हमारा। एक मिनट आप मेरे साथ रहें। So let's have a look here. तो अब देखते हैं। I think you can see this. जैसे आप ये देख रहे हैं। So it's telling us here that there are two conditions that we can
encounter in our lives with regard to how we are. इसके रिगार्ड में कि हम कैसे हैं, कि किस तरह से हम जीवन की so, the one at the top, condition chaos, is telling us that here are some of the main areas in our daily lives in which we use our time and our energy. So, for example, there is our family. उदाहरण के तौर पर जैसे सतयुग में परिवार होगा. तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं, हम जंप करते हैं एक से दूसरे कार्य को करने के लिए. तो यहाँ हमें अपने परिवार के साथ में है, फिर हमें फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, फिर हम काम करते हैं उनके साथ, किसी का बर्थडे है, फिर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, शाम को कोई कोर्स भी करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई ऐसी लेजर एक्टिविटी भी करते हैं. Monkey jumping around in the branches of a tree. And after a while, this will get rather tiring for the mind. और इसके बाद जो वो है tiring हो जाता है मन के लिए या exhaustion हो जाता है. And stress. And one may wonder, doing all of these things, but I just feel tired. ये सब कुछ करते हुए भी मैं थका हो जाता हूँ. In your life, take care of your family, your work, your study, friends, leisure, etc. But you friends, leisure, etc. में हम देखते हैं हम बहुत सेंटर में हैं अपने जीवन के. मैं यहाँ पर हूँ कि मैं बहुत सेंटर में एक आत्मा की रूप में बैठी हुई हूँ, लेकिन हम वहाँ से कोई अपना कार्य करें, do the best you can, excel in whatever you can do, but do not lose yourself. लेकिन अपनी always return back to yourself. And always remember, I do a job, but I am not a job. From here, take care of your family. Fulfill your roles, your responsibilities, but again, do not lose yourself. लेकिन अलग से फिर से अपनी अपने family role में स्वयं को ना भूल जाएं. लेकिन वो जो roles हैं, husband, wife, son, daughter, etc., they are roles. In fact, I am not the roles I play in my life. It's the same with all of these other areas of your life. Your friends, your leisure, study, and many others. तो जो अपना लेजर है, स्टडी है, अपना ग्रोसरी शॉपिंग है. That means living in true awareness of my deepest. अपने मन की, अपने मन को समझने के लिए, शांति को रियल समझने के लिए. Largely speaking, everyone is lost in what I do and what I have. The result of identifying with what I do, what I have, is we give birth to something called ego. जिसमें हमें अब दूसरी तरफ अगर हम चलें, उसमें हमें ईगो भी आ जाती है. ईगो जो है वो शाइमनी स्लेवरी जो है वो जैसे जैसे ये ईगो रहती जाती है तो फिर किसी न किसी तरह से इम्बैलेंस आते ही जाते हैं.
energy. I am the peaceful soul, the loveful soul, the powerful soul. If I practice living in that awareness, my stability and my sense of security. मेरी स्टेबिलिटी और सुरक्षा की भावना जो है वो अंदर से आकर बाहर जाती है. जैसे आप होल्ड डाउन करने का जैसे ये एक सिंपल एग्जाम आप मुझे एक दें जो कि हम आपके पास से निकलता है बिना सोचे हुए कि hands and our arms, how much more do we do that with our thoughts? We hold on to situations, people, roles, abilities, talents, reputation. Ability, talent, reputation. अपने आप को ये महसूस कराता है कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं और ये सभी चीजें जो हैं वो बाहर की हैं. Collapses, I also will experience that instability. So how to let go of holding on to those temporary supports of the mind? It's only by stepping into that which is eternal and unchanging. And that we call as our spiritual identity. Going deep into the experience of what it means to live as an eternal energy, as an eternal soul. Here's another graphic to help to explain this. So this is about awareness. ये अवेयरनेस के बारे में है. Is the ये जो बॉटम की पिक्चर है ये कंडीशन है और लिमिटेड अवेयरनेस है हमारी जो हम सब इसमें ही रहते हैं. तो लिमिटेड जानकारी जो है लिमिटेड अवेयरनेस के मैं कौन हूँ, मैं अपने रोल में खो जाती हूँ या अपने लेवल में या मेरी जॉब ऐसी है या मैं अपने परिवार में या परमात्मा की सानिध्य में खो जाती हूँ. My name, my age, my family, etc. When we live in this condition of limited awareness, we will necessarily feel insecure. जब हम ऐसे limited में होंगे, तो हमें insecurity भी महसूस होगी और डर भी महसूस होगा. तो मन में ये होगा कि ये खो जाएगा. जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम असुरक्षित और अस्थिर महसूस करते हैं तो हमारी हैबिट जो है वो बदलती है. हम चीजों को पकड़ के रखना शुरू कर देते हैं. Where there are mental and emotional attachments, there will always be some kind of angst, some kind of sorrow or suffering. So that's how we live today. The condition of the human race is locked into limited awareness. The place we want to be is at the other end of this graphic. So ye graphic ki other end mein hai. Hum chahte hain, hum unlimited awareness mein rehna chahte hain.
जब हम वहां पहुंचते हैं अनलिमिटेड में, तो हम महसूस करते हैं बहुत असुरक्षा की महसूसता आती है, सुरक्षित सेफ और हमें स्थिर महसूस होता है. जब हमें ऐसा महसूस होता है तो बहुत ही नेचुरली ऑटोमेटिकली बिना किसी बल के प्रभाव के मन जो है वो मन जाने देना शुरू हो जाता है. जब हम लेट गो करते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं. जब हम स्वतंत्र महसूस करते हैं तो ये प्री रिक्विजिट का पहला ही ये प्री रिक्विजिट का है. हम सभी ये जानते हैं कि छोड़ो तो छूटे मैं माती, लेकिन कैसे करें लिमिटेड अवेयरनेस से अनलिमिटेड अवेयरनेस में कैसे जाएं? इसके लिए हमें ज्ञान की धारणा करनी चाहिए जो हमें लिमिटेड से अनलिमिटेड में लेकर जाती है. ये एक हमारा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें अलाउ करता है हमारे सेल्फ की तरफ चलने के लिए इधारण करता है. यहाँ बहुत सारी बातें हैं आध्यात्मिकता के बारे में. सो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के टर्म में कहें तो एक सिंपल बात जो है वो कही जाती है, वो बहुत शक्तिशाली है. तीन सिंपल वर्ड्स हैं जो शब्द मेरे को मिले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, स्टेबल हैं, वो हैं नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है. अगर आपके लिए नया है तो अपनी बुद्धि में इसको डाल लें और इसको अपने मन में थोड़े दिन चलने दें कि मेरा कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब है कि मैं को कुछ भी खोना नहीं है, कुछ भी खोया नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं खोऊंगा क्या. और अगर मैं कुछ खोऊंगा नहीं तो वो बेस बन जाता है मेरी सुरक्षा का और मेरी स्थिरता का. तो जो घबराहट है, डर है, टेंशन है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि डर रहता है कुछ खोने का. जब हम अपनी चेतना को अनलिमिटेड में ले जाते हैं और इस भावना से जीते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, हम सेफ, स्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं. तो ये चार एस वर्ड्स अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि कोई डर ही नहीं है, कोई घबराहट ही नहीं होती. हम इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं कि हम कैसे दुनिया को देखते हैं. एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जीवन का, कि हमारे रिश्ते, हम अपने रिश्तों में कैसे स्थिरता लेकर आए एक दूसरे के साथ. ये बहुत बड़ा एरिया है. हम मनुष्य हैं, हमारे पर्सनल रिश्ते होते हैं, फैमिली रिलेशन होते हैं, वर्क रिलेशन होते हैं. अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो हम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते. जितना ज्यादा क्लोज हम होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक बैलेंस होता है. एक की मैं चाहता हूँ कि वो रिलेशन स्टेबल हो जाए, तो क्या फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला स्थिरता के लिए कि हमारे रिश्तों में कैसे वो स्थिरता आए. हो सकता है आप सबने ये पहले भी सुना हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. बेसिक फॉर्मूला है जो एक स्टेबल रिलेशनशिप्स के लिए, ये एक सीसो की तरह है. एक साइड हमारे पास लविंग, जो हमारे लाइक्स हैं,
एक्सप्रेस जिसमें प्रियार को हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उसका काउंटर बैलेंस भी होता है जो प्यार को साफ और स्वच्छ रखता है, जो कि डिटैच, जिसको हम डिटैच कहते हैं। लेकिन जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बैलेंस नहीं होता तो वो करप्ट हो जाता है और वो प्रेम जो है वो बदल जाता है, वो एक पोजेशन में बदल जाता है। फिर हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का बिहेवियर को हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम उन पर प्रेशर डालते हैं कि हमारे हिसाब से व्यवहार करो, हम चाहते हैं कि वो किस तरह से बात करें, किस तरह से हमारे से बात करें, किस तरह से व्यवहार करें, कौन सी आदतें उनकी हो। फिर हमारे अंदर वो डिमांड्स आ जाती हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है दूसरों के साथ, हम इसका मतलब जेलसी को क्रिएट करते हैं और ये चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। हमें रीजन तो पता होता है, बहुत ही कड़ा एक्सपीरियंस होता है जो हम ऐसे इमोशन को महसूस कर रहे होते हैं। तो प्रेम जो है वो बैलेंस से बाहर निकल गया कि प्रेम गलत हो गया, करप्ट हो गया और वो पोजेशन में बन गया। तो ये जो इमोशन है अप और डाउन होते रहते हैं क्योंकि प्रेम जो है वो संतुलन में नहीं है। तो आप देखें कि क्या जरूरत है बैलेंस करने के लिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रेम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं डिटैचमेंट की, फिर हम कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं और अनकेयरिंग हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम है, किसी भी चीज की एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, एक्सट्रीम क्वालिटी की भी अच्छी नहीं है। अगर हमें स्टेबिलिटी या बैलेंस अपने जीवन में चाहिए जिसमें हमें पता हो कि कौन सा जो बात है किसके साथ बैलेंस करती है, तो हम उसको कर सकते हैं। जब हम with a fridge, you get a blast of cold air and a strange mechanical sound. तो ये लास्ट मैकेनिकल साउंड होती है जिसमें कि जो डिटैचमेंट और प्यार को बैलेंस करती है। तो ये एक जीवन का जो काम है, जीवन भर चलता रहता है, बार बार लगातार हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, डिटैच और लविंग हम सभी रिश्तों में अपने आप को करते हैं। कोई व्यक्ति जो आपके सबके पास है, सबके साथ रहता है आपके, या आप उसके साथ काम करते हैं, वो एक अनदर, एक आत्मा है, एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है। जब वो बैलेंस खराब हो जाता है तो प्रायर जो है वो एक्सट्रीम में चला जाता है, तो उसका इंडिकेशन है कि हम रिस्पेक्ट खो देते हैं, दूसरे व्यक्ति का रिस्पेक्ट जो है वो हम नहीं कर पाते और हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। और तो डिटैच और लविंग जब हम प्यार को अपने अंदर प्राप्त नहीं करते, बाहर ढूंढते हैं, तो एक जो आध्यात्मिक सच्चाई है कि मैं एक आत्मा हूँ और दूसरा भी एक आत्मा है, जब हम उनको समझते हैं कि वो भी अपनी यात्रा पर है, वो इसके जीवन के इस मंच पर खेल कर रहे हैं, अपना पार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। मैं वंडरफुल डॉक्टर मनोज को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू योगेश भाई, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत ही इफेक्टिव हैं ये बातें, तो ये हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए चलेगी। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने Okay, so we don't have time for questions because we have actually overshot our time, but that's perfectly fine. And now I'll request Dr. Ashok Mehta to please propose the vote of thanks. Over to you. Thank you. Yogesh bhai, I feel that you should continue. Yogesh bhai, Dr. Mehta jo aapka shukriya ada karenge. Aap apne baaton mein itne khokar ke hume samjha rahe the ki jeevan jo hai kitna hi saral ho jayega agar hum खुश रहें, क्योंकि योगेश भाई की वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्कूल वगैरह में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, तो जो आध्यात्मिकता है आपने उसको बहुत आसान बना दिया। हमें को एक एक शब्द आपका बहुत ही प्यारा लगा, हमारी मेमोरी में आप हमेशा रहते हैं और रहेंगे। जो आपने कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही यूजफुल था। हम आपसे प्रेम करते हैं, सराहना करते हैं और आपका बहुत बहुत मान करते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मेरे साथ जरूरी हैं। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को लॉक करता हूँ। मैं आपको कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारीज में हमारा ये महीना बहुत स्पेशल है, ये इसको हम अव्यक्त महीना कहते हैं। हम अपने ऊपर कार्य करते हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है, हम बार बार नहीं कहते, लेकिन हाँ हम अपने आप को कंप्लीट संपूर्ण बनाने में लगते हैं। इस तो हम नेक्स्ट वैल्यू जो हमने एक और महीना हमारे पास है, हम अनाउंसमेंट करेंगे रेगुलरिटी। डॉक्टर मनोज मेहता बातचीत करेंगे डियर सिस्टर जैना, डॉक्टर जैना के साथ, वो हमसे वॉशिंगटन में जे ज्वाइन करेंगी। और वैल्यू हमने रेगुलरिटी ली है, हमने डॉक्टर मेहता को चूज किया है क्योंकि ये बहुत रेगुलर हैं अपने आध्यात्मिक में और अपने कार्य में, ये दोनों में ही रेगुलरिटी है, ये डॉक्टर हैं। तो अगला सैटरडे सेम टाइम पर, और फिर उसके बाद योगेश भाई, ऐसा ही होता है कि गोपी बहन आपके पहले या आप उनके बाद आते हैं, एक डिवाइन कोइंसिडेंस है। वो इंडिया से ज्वाइन करेंगी एक हफ्ते के बाद, रेगुलरिटी के ऊपर, निर्विघ्नता के ऊपर। फिर रेगुलरिटी है हमारे दो साइलेंस रिट्रीट है, नेक्स्ट रेगुलरिटी जो रिट्रीट है वो 27 तारीख को है। ये हमारा एलिगेंट कैलेंडर है, सिस्टर कुशा जो बनाती हैं हमारे लिए। थैंक यू, हम इसको ईमेल भी करेंगे। आज हमारा रिकॉर्ड टूटा हुआ है, काफी सारे लोग हमारे साथ जो हैं वो हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपका कमेंट्स हम जो हैं वो लेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब हम स्क्रीन शॉप स्टॉप करते हैं और मैं सिस्टर अनु को देता हूँ। हम फोटोग्राफ मिस नहीं करना चाहेंगे, हर सभी ने उस आंतरिक खुशी को महसूस किया होगा। ये हमारी मेमोरी हमेशा के लिए हो जाती है जो हम ये फोटोग्राफ लेते हैं। अगर आप अपना वीडियो ओपन कर लें तो आप भी फोटो में आ सकते हैं। थैंक यू, अब हम मेडिटेशन में चलते हैं। आप मेडिटेशन में दृष्टि देना चाहेंगे या कमेंट्री से कराना चाहेंगे? मैंने काफी बातचीत करी है तो हम थोड़ा खाली दृष्टि से ही हम कर सकते हैं विद मेडिटेशन।
where the power to fly within no longer dwells. Hungry for love, the shadow cast is dark as the burning light inside the self has lost its spark. Thank you once again to all the participants. And thank you, aap sabhi participant ka bahut shukriya. Thank you so much. Thank you, everyone. See you again soon. Thank you. See you.